हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाया हूँ डेन नेटवर्क्स के बारे में। प्रॉफिट कैसे मैंने लिया है, ये शेयर में कितना होल्ड करने के बाद किस तरीके से मेरी जर्नी रही है, तो मेरी जर्नी आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये रियलिटी है कि ये शेयर मार्केट में इतना इजी नहीं है। बहुत लोग अभी देख रहे कि किस तरीके का शेयर मार्केट है, तो फिलहाल यहाँ पर इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा और ये देखा करो। और मेन चीज है कि इससे सीखा करो, ठीक है। और ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दूं, डेन नेटवर्क ये कंपनी केबल टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। बहुत लोगों को पता भी होगा या बहुत लोगों को पता भी नहीं भी होगा, ठीक है। तो सभी लोगों का अपना अपना नॉलेज होता है, तो इस हिसाब से मैं बताना चाहूंगा। ये टेलीविजन का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, केबल टेलीविजन, ठीक है। और इट इज ओन बाय समीर मरचंडा एंड वाज एक्वायर बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये रिलायंस ने 2018 में बहुत सारी नेटवर्क कंपनी ले ली थी, जैसे ये केबल कंपनी भी ले ली थी। जो टीवी चैनल्स अगर लोकल में किसी के पास चलते हैं, तो डेन नेटवर्क्स के भी केबल्स लगते हैं, जिसपे हम डायरेक्टली टीवी मीडिया ये सारी चीजें देख सकते हैं। और हैथवे केबल भी, वो भी ऑलरेडी मेरे अभी भी प्रेजेंट में अवेलेबल है मेरे पोर्टफोलियो में। इसके बारे में भी मैंने वीडियो डाला है स्टॉक टॉक करके, जिसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये करंटली मेरे पोर्टफोलियो में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए ले, एक ही शेयर अभी बचा है, बाकी मैंने नेटवर्क वाले मोस्ट ऑफ बेच दिए, ठीक है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको खरीदा हुआ है और इन 2003 इट स्टूड एज वन वन ऑफ द थ्री मेजर केबल डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया अलॉन्ग साइड हैथवे एंड इन केबल नेट। तो इनके साथ साथ ये थ्री मेजर केबल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में ये आती थी। अभी इसका प्राइस चल रहा है 35, 35.5 का भाव चल रहा है। और यहाँ पर ये फाउंडेड कब से है, 2007 से। तो थोड़ा इसका वेबसाइट भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। ये इसका वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये केबल टीवी बॉक्स है। यहाँ पर आप इतने सारे चैनल्स वगैरह सभी कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ है ये नेटवर्क का और मीडिया की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। और इसको भी मैंने होल्ड किया था, काफ़ी समय इसको होल्ड किया था। तो ये शेयर ने मुझे किस तरीके का प्रॉफिट दिया है या कितना मुझे इसमें सर्वाइव करना पड़ा, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैं शेयर की तरफ लेके चलता हूँ। ये शेयर है मनी कंट्रोल की साइट पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो एनएससी बीएससी पे इसका जो दोनों पे लिस्टेड है, और मीडिया इंटरटेनमेंट के अंडर ये कंपनी आती है। और यहाँ पर जो 27 मई का प्राइस चल रहा है, 35.45%, ठीक है, 35.45 का भाव चल रहा है इसका। और यहाँ पर 1.5% का इसकी मूवमेंट आ गई है, और 33 का इसने लो मारा था, 52 वीक लो, यानी साल का ये लो है इसका, पूरे साल का, ठीक है। एक साल पूरा 52 वीक अगर पकड़ा जाए तो इसका 33 का लो है, और ये लो के आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है। 65 का हाई था इसका एक साल के अंदर, तो वहां से ये काफी गिरा है, लगभग आधा हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर होते हैं जो आधे हो जाते हैं, तो ये भी शेयर देख लो, एक साल के अंदर ये आधा हो गया है। और यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, 8 स्ट्रेंथ है, 6 वीकनेसेस है, एक अपॉर्चुनिटी है और थ्रेड 0 है। 8 स्ट्रेंथ में बता रहा है ये कंपनी क्या कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका अच्छा है, ठीक है, इक्विटी। और इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर फंड, यानी ये फंड जो शेयर होल्डर से इक्विटी फंड हमको मिलता है, कंपनी को मिलता है मार्केट कैपिटल फंड में, वो अच्छे से यूज हो रहा है, और उसके वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वीकनेसेस में बता रहा है कि कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यानी कंपनी लॉन्ग टर्म का सोच रही है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल ये साल में हर एक मतलब ये साल में करंट ईयर में वो खर्चा कर रही है, जिससे वो खर्चा ज्यादा बढ़ने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस पे थोड़ा अफेक्ट पड़ता है। ये इस वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पहले ही खर्चा करती है, तो ये वीकनेसेस में गिना जाता है, लेकिन मैं इसको ज्यादा वीकनेस नहीं मानता। ये लॉन्ग टर्म का सोचना कोई खराब चीज नहीं होती है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, तो स्टॉक विथ लो पी, तो इसका पी सस्ता है, 10 रुपए से भी कम का पी आ रहा है,
और पी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो 9 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है उसपे, ये समझना चाहिए, ठीक है। और पीबी 0.57 का आ रहा है, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ डिटेल में। और डिविडेंड तो नहीं दे रही है, और मार्केट कैपिटल इसका 1600-1700 करोड़ का है, लगभग 1700 करोड़ में 9 करोड़ खाली कम है, तो वो भी मतलब लगभग 1700 के या 2000 करोड़ के अंदर की कंपनी है फिलहाल। और यहाँ पर मेन चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, मेरी जर्नी यहाँ पर ही आपको चार्ट में देखने मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 साल का चार्ट दिखा देता हूँ, 1 साल के चार्ट देख लो, यहाँ पर मैं फुल डिटेल में दिखा देता हूँ ताकि आपको और डिटेल में क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर चार्ट देख सकते हो आप कि ये चार्ट में यहाँ पर आप देखो कि ये जो 57 का हाई है वहां से ये गिरता आया है, फिलहाल काफी गिरा है। यहाँ पर 1 साल का दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 1 साल में यहाँ पर 64 का जो हाई है वहां से ये कंटिन्यूसली गिरता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये बढ़ते हुए नजर आया था, 27 में से ये कंटिन्यूसली बढ़ा 11 जून तक, ठीक है। 65 हो गया, मतलब कितने का शेयर कितना हो गया, तो यहाँ पर देख लो लगभग ये 48 का लो के शेयर जाके 64 हो गया, तो वहां से फिर गिरावट आई। एक हाई के बाद या एक बड़ी बुल रन के बाद ये एक्सपेक्टेड होता है कि शेयर कहीं ना कहीं जाके कभी भी करेक्ट हो सकता है, तो करेक्शन मोड भी बहुत बड़े बड़े आजकल देखने मिलते हैं। ये देखो करेक्शन आ रहा है तो कंटिन्यूसली गिर रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पर थोड़ा गिरा, फिर यहाँ पर थोड़ा निकलने का मौका मिला लोगों को, फिर वहां से कंटिन्यूसली गिरा, फिर थोड़ा सा कर ये ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, इसी तरीके से एक शेयर मूवमेंट करते हैं। तो ऐसा आते आते पूरा ये नीचे आ गया, फिलहाल तो काफी लो पर ये पहुंच चुका है। और 5 साल की चार्ट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 5 साल के अंदर ये लगभग इसने लगभग यहाँ पर एक लो है, वो वहां से मैं बात करता हूँ कि ये लो कितना मारा था। तो यहाँ पर एक लो नजर आ रहा है, तो ये लगभग 72 का लो था और वहां से इसने एक हाई मारा था 149, ठीक है। तो ये 149 तक भी गया था शेयर, और वहां से ये शेयर काफी गिरते हुए आ रहा है, फिर थोड़ा अपसाइड, फिर डाउन, फिर अप एंड डाउन, ये चीजें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी देख लो, ये चार्ट 2010 से है कंपनी मार्केट में, और यहाँ पर इसने इसका हाई जो था लगभग ये 254 का था। देखो एक टाइम पे शेयर कितने का हुआ करता था, 254 का 2010 में, तो वहां से ये शेयर काफी गिरा और इसका प्राइस बन गया लगभग 35 का लो, और ये 2011 का लो पे आज ये पहुंच गया है। देखो ये लो और ये लो, एक रेड लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, मतलब इसने 10-11 साल पुराना लो तोड़ दिया है, काफी ये लो पे ये पहुंच गया है। तो सोच लो शेयर के साथ क्या हो सकता है, उसके साथ रिलायंस का नाम भी जुड़ेगा तो भी शेयर की हालत होनी है, जो खराब होना है वो होगा। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी सारी चीजें मैं आपको बता देने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं मेरी जर्नी भी दिखा देता हूँ, तो मेरी एंट्री कहाँ से हुई थी, फिर मैंने एग्जिट कहाँ पर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने इसमें एंट्री जो ली थी यहाँ पर 2017 की मेरी एंट्री थी इसमें, ठीक है। तो 2017 में कौन से भाव पे मैंने एंट्री किया और कौन से भाव पे फिर बाद में मैंने निकला और कितना टाइम मैंने होल्ड किया, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मेन चीज यही होती है कि ये जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लोगों को सीखना ज्यादा पसंद नहीं है, डायरेक्ट आपको कॉल्स चाहिए, यानी आपको डायरेक्ट टिप्स चाहिए, टिप। तो वो टिप लेके, टिप से कुछ होता नहीं है और टिप बर्बाद कर देती है, तो टिप लेने से अच्छा नॉलेज लो, सीख लो, और उससे कुछ ना कुछ सीखने की वजह से लाइफ में आप कुछ ना कुछ अच्छा इसमें से अर्न कर पाओगे, नहीं तो टिप की वजह से बर्बाद हो के बैठ जाओगे, ठीक है। टिप की वजह से बहुत लोग अभी शेयर मार्केट में बहुत नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि उनको किसी ने टिप दी और उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया और सारे डूब गए, डूब गए यानी आधे हो गए, आधे से भी ज्यादा गिर गए, या 70-75% भी शेयर लोगों के गिर चुके हैं क्योंकि टिप ने उनको ज्यादा पैसा लगाने पे मजबूर किया, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने 2017 में 8 फरवरी 2017 में मैंने इसमें एंट्री की, यहाँ पर 8 फरवरी 2017 में यहाँ पर मैंने इसमें एंट्री की, तभी भाव इसका था 86.5
7 तक मैंने इसमें एंट्री की थी, ठीक है, 8 फरवरी 2000। तो ये एक एक महीने का चार्ट है, तो यहाँ पर 1 फरवरी आएगा, 8 फरवरी आपको देखने नहीं मिलेगा डायरेक्ट, 1 मार्च देखने मिलेगा, मतलब एक एक महीने का ये एक कैंडल है। तो इसके अंदर में जो ये कैंडल में से एक डेट को मैंने, यानी 8 फरवरी 2017 को मैंने इसको 86.70 यानी 88 पकड़ लो, तो यहाँ पर ये जो भाव नजर आ रहा है तो लगभग मैंने वो भाव पे खरीद लिया, ठीक है। तो 88 का भी भाव अगर हम पकड़ते तो वहां पर मैंने इसको खरीदा, और वहां से ये शेयर देखो थोड़ा बहुत बढ़ा, ऐसा नहीं कि यार मुझे मैंने लिया और लॉस ही किया, 149 तक गया था। देख लो मेरा इन्वेस्टमेंट का फायदा हुआ था, यहां से ये गिरावट से ये बढ़ते जा रहा था, तब मुझे लगा कि यार 88 पे खरीदना चाहिए, तब मैंने इसको खरीद लिया, ठीक है, 1-2 महीने बाद इसको खरीद लिया था 2017 में। मैं शेयर मार्केट में 2014 से हूँ, मार्च के टाइम से, और यहाँ पर मैंने इसको 2017 में लगभग, यानी मैं मार्केट में 2-3 साल मुझे हो गए थे, और मैंने लॉन्ग टर्म का सोच लिया था कि मुझे लॉन्ग टर्म करना है, और ये शेयर में मैंने इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कर करके लॉस भी कभी प्रॉफिट कभी लॉस करके, अभी फिर मैंने सोच लिया लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ये शेयर खरीद लिया। तो डेन नेटवर्क का मैंने शेयर खरीदने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म का मैंने सोचा और मेरी सोच सही निकली, और यहाँ पर मुझे 2018 तक यानी 9 महीने या 11-12 महीने में मुझे प्रॉफिट हुआ। 1 जनवरी 2018 तक का मेरा प्रॉफिट देख लो, लगभग ये 149 यानी 150 तक हुआ, यानी समझ लो कि ये लगभग लगभग डबल के आसपास आया। अगर वो 88 का या 160 170 भी हो जाता तो मेरा प्रॉफिट ये समझ लो कि लगभग लगभग डबल हो जाता, यहाँ पर 80-90% तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, दिख रहा था, ठीक है। तो वो प्रॉफिट मैंने नहीं लिया, तो मैंने क्या किया, मैं लॉन्ग टर्म का आदमी, मैंने क्या सोच लिया, मैंने सोच लिया ना इसको लॉन्ग टर्म करना है, तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रखा वो शेयर, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसकी हिस्ट्री नहीं देखी यार, ये कितने बार ऊपर गया है फिर गिरा है, फिर ऊपर गया फिर गिरा, तो यहाँ पर ऊपर गया ये गिरेगा ऐसा तो नहीं सोचा, ये लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखो। और 2018 में भी न्यूज आया था रिलायंस ने उसको खरीद लिया, ठीक है, रिलायंस उसको खरीद रहा है, सब सब कुछ अच्छा है, फिर भी देखो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी शेयर गिरा, कंटिन्यूसली गिरते आया गिरा, और कितना भाव बन गया इसका, 45 का लो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लो, यहाँ पर एक लो आएगा वो है 45 का लो, इसने दिखा दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 45 का लो 2018 1 अगस्त 2018, 5-6 महीने बाद ये 45, मतलब सोच लो 100 रुपये गायब भी हो गया, जहां पर 150 तक भाव पहुंच गया था वहां पर 45 गायब हो गया, और 45 100 रुपये गायब होके जस्ट 45 बच गया। तो वहां से देखो फिर से ये गिरावट आई, और यहाँ पर 2 मार्च 2020 यानी कोविड के टाइम पे इसका भाव बन गया लगभग लगभग 25 रुपये का लो, यानी मेरा 87 का भाव, 86.5 70 था तो 86 का 87 का भाव, ठीक है, तो मेरा 87 का भाव कितना बन गया, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 25 रुपये का भाव आ गया यहाँ पर, 25 रुपये 50, तो यहाँ पर मैं 25 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी गिरावट हो गई यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो लगभग लगभग मेरा भाव कितना आया और कितनी गिरावट के बाद वो शेयर में से मैं निकला, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 70% मेरा शेयर गिर गया, अगर आप 87 में से 70% माइनस करोगे तो 26 का भाव आएगा, यहाँ पर 25.50 है, तो लगभग लगभग 70% यहाँ पर मेरा लॉस हुआ। तो 70% लॉस से मुझे बाहर निकलना था, देखो शेयर मार्केट है, मेरा भाव अगर मुझे यहाँ पर बढ़त मिली थी तो वहाँ वो कितने का प्रॉफिट था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 87 के भाव पर अगर मुझे देखा जाए तो लगभग लगभग वो 75% में प्रॉफिट में पहले था, और वो 75% लॉस में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है कि मैं पहले ऑलरेडी प्रॉफिट में था, वो 75% प्रॉफिट होता है, अगर यहाँ पर मैं बेच देता तो लगभग 75% का प्रॉफिट होता है, अगर मैंने नहीं बेचा तो 75% प्रॉफिट तो गया ही गया, प्लस 75% लॉस में भी मैं आ गया। तो यही होता है शेयर मार्केट में, और यही चीज मैं चिक चिक के बता रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, कोई समझना नहीं चाहता, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, और लोग अवेयर होना नहीं चाहते, उनको ये चाहिए टिप चाहिए, और टिप के भरोसे, टिप मैं देने बैठा नहीं हूँ, यहाँ पर नॉलेज बांटने बैठा हूँ, टिप देने वाले लोग आपको बराबर टिप दे रहे हैं,
और वो टिप करके बराबर से जो करना है वो कर रहे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं मेरा काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर नॉलेज बांटना है, इन्फॉर्मेशन बांटनी है और एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा और सीख लो। तो फिलहाल यहाँ पर शेयर वहाँ से कंटिन्यूसली गिरा, फिर वहाँ पर थोड़ा बढ़ा, फिर से गिरा, तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर मेरा 70% गायब हो गया। 70% लॉस होने के बाद अब वहाँ से मैंने फिर क्या किया, तो वहाँ से मैं रुका या फिर उसमें इन्वेस्ट किया, तो मेरी जर्नी वो कंप्लीटली यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने उसके बाद लिया उसको 4 सितंबर 2018 में, ठीक है, 50 के भाव पे लिया ये शेयर को 4 सितंबर 2018 में। एक बार 50 के भाव पे मैंने, सितंबर 2018 में 50 के भाव पे यहाँ पर मैंने खरीद लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने लो देख लिया था, ठीक है, 45 तक का लो आया था। मैंने सोच लिया यार फिर से एक बार एक आध एंट्री मारेंगे, जिससे हमारा थोड़ा बहुत एवरेज प्राइस आ जाएगा और हम इसमें से जल्दी निकल जाएंगे। तो मैंने 50 के भाव पे लिया, फिर बाद में मैंने उसको देखा ही नहीं, फिर लगभग मैं 2020 में आ गया, ठीक है। 2020 में मैंने फिर से इसमें एंट्री की, दिसंबर के टाइम पे, 22 दिसंबर 2020 में मैंने इसमें एंट्री की। तो यहाँ पर 22 दिसंबर 2020 का यहाँ पर ये दिसंबर है और यहाँ पर मैंने इसमें एंट्री की। तो यहाँ पर मैंने इसमें एंट्री करने के बाद ये शेयर कंटिन्यूसली फिर से गिरा, ठीक है। तो 2020 में भी एंट्री करने के बाद फिर से ये गिरा, और वो टाइम पे दिसंबर में मैंने इसको 61 के भाव पे लिया। और वहां से मैंने मेन काम चालू किया था कि मैं सभी शेयर्स निकालते जा रहा था, स्विंग ट्रेडिंग करके या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके, सारी चीज मुझे स्विंग करना था, जब जब गिरे शेयर्स और क्वांटिटीज में खरीदो 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 और निकल जाओ। तो मैं ऑलरेडी रिस्क टेकर हूँ और रिस्क तो लेते आया हूँ। अगर मैं लॉस लेते बैठता हूँ तो अभी तक हर एक शेयर में लॉस ले लेके बर्बाद हो जाता। यहाँ पर मैंने सभी चीज में से प्रॉफिट, इवन मैंने इंट्राडे करके भी प्रॉफिट में ही निकाला है। ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीटली लॉस में, वहां से भी प्रॉफिट निकला, ऑप्शन ट्रेडिंग से भी लॉस प्रॉफिट में निकला हूँ, लॉस भी किया प्रॉफिट भी किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट ये प्लस में निकला। और वहां से मैंने देखा कि वेल्थ ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है, और वेल्थ क्रिएट करना है तो लॉन्ग टर्म करना है, तो लॉन्ग मेन चीज होता है शेयर मार्केट में, इंसान आता है कि वेल्थ क्रिएट करने। अगर हम कमा रहे फिर गवा रहे, फिर कमा रहे फिर गवा रहे, तो इससे हम कुछ कमा ही नहीं पा रहे और वेल्थ ही क्रिएट नहीं कर रहे। 2-3 साल भी देख लो तो कुछ भी नहीं आपके हाथ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने फिर लॉन्ग टर्म की तरफ निकल गया। तो लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर कुछ साल बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद गिर जाते हैं, अगर आप उस पर ध्यान ना दो तो, या कुछ भी उसमें बैड न्यूज आ गई, कुछ भी हो गया। देखो अच्छी भी न्यूज आई, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो बैड न्यूज आ सकती है और उसके बाद वो थोड़ा बहुत खराब हो चलना चालू हो जाता है। फिर भी मैंने उसमें कंटिन्यूसली बाइंग करके, क्योंकि मैंने 2020 से स्विंग ट्रेडिंग करना चालू किया मार्च लॉकडाउन से, तो स्विंग ट्रेडिंग मुझे बहुत बेनिफिशियरी लगी और उसने मुझे ज्यादा से ज्यादा अभी तक का प्रॉफिट दिया है। और इसी वजह से मैं बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट निकाल पाया हूँ और इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीज। तो मैंने फिर 22 दिसंबर को लिया 61 के भाव पे, फिर 29 दिसंबर को भी एक बार लिया 62 के भाव पे, फिर बाद में 25 जनवरी को लिया 62 के भाव पे, ठीक है। तो 25 जनवरी 2021 को लिया, ठीक है। तो लगभग मैं कंटिन्यूसली बाइंग ही करते गया। 25 जनवरी को भी लिया मैंने 62, मतलब 60 के रेंज में मैं कंटिन्यूसली लेते गया, ठीक है। तो जब जब शेयर गिरते गया मैं उसको लेते गया, फिर उसके बाद भी गिरावट आती गई, ठीक है। यहाँ पर एक गिरावट कंटिन्यूसली आती गई और मैं उसमें कंटिन्यूसली बाय करते गया, और मैंने एंड तक इसको 44-43 तक भी यहाँ पर ये शेयर गया था, वहां पर भी मैं उसको कंटिन्यू बाय करते गया। यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा 45 का भी भाव, आपको हाई वाई दिखेगा, ठीक है। तो वो भाव पे भी खरीद रहा था, 40 के भाव पे भी खरीदा, फिर एंड में मेरा एवरेज प्राइस ही बन गया 40 के आसपास ही बन गया, और मैंने इसको 23% प्रॉफिट लेके बेच दिया। तो मैंने बेचा कब ये भी मैं बता देता हूँ। तो इसको मैंने बेचा लगभग लगभग यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो लगभग इसको मैंने बेचा 62 के भाव पे, और 62.70 के भाव पे मैंने बेच दिया इसको। मतलब लगभग लगभग मैंने 10 जून 2021 को मैंने इसको प्रॉफिट में ही बेचा, ठीक है। यहाँ पर ये 10 जून का ये जो कैंडल दिख रहा है, ये जून में मैंने इसको 62 के भाव पे, यहाँ पर 62.5 का हाई दिख रहा है, 62.70 पे इसको मैंने बेच दिया जब ये प्राइस आया, क्योंकि मैंने इसमें इतना बाई करके कर करके कर करके इसका प्राइस मैंने लगभग 48-40 के आसपास ही लाया था, ठीक है। यार उसमें से 22-23% मुझे जैसे प्रॉफिट दिखा और मैं निकला। तो ये मेरा स्मार्ट
मोमेंट निकला या स्मार्ट टेक्निक निकल गया कि यहाँ से मैं ये टाइम पे, या स्मार्ट एग्जिट निकल गया मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अगर मैं नहीं बेचता तो अभी भी मैं यहाँ पर कौन से भाव पे रहता? ये जो अभी मार्केट में भाव चल रहा है उसका 35 का, तो वो भाव पे मैं आज भी रहता, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पर ये मेरा डिसीजन सही निकला, इसको मैंने कंटिन्यूसली बाय किया। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि गिरते हुए शेयर्स को एवरेज नहीं करना चाहिए, गिरते हुए तलवार को ये नहीं करना चाहिए, अपना अपना रिस्क है, अपना अपना स्ट्रेटेजी है। मैं यहाँ पर यही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ कि शेयर गिर रहा है तो मैं खरीदता हूँ, और इसीलिए मैं कैपिटल साइड में रखता हूँ। अगर जिसके पास कैपिटल नहीं रहेगा उनके लिए बहुत खराब चीज है, क्योंकि जितना एवरेज करोगे वो प्राइस आपको पता नहीं होगा कब आप निकलोगे। देखो मैंने उसको कंटिन्यूसली 2020 से स्टार्ट किया, दिसंबर से किया, लेकिन मैं जून में निकला, 6-7 महीने तक मैंने उसमें कंटिन्यूसली बाइंग किया, शायद आप उतना भी नहीं कर सकते। मैंने 6-7 महीने उसको बाई करते गया, तभी जाके उसका प्राइस कम आया हो गया, और तब जाके फिर मुझे एक मौका मिला कि इसमें से बाहर निकलने का। और मैं मिनिमम 21% लेता ही हूँ, 21%, तो 21% से थोड़ा बहुत 1-2% ज्यादा मिल रहे थे वो ले लिया मैंने, ठीक है, और वहां से निकल गया। तो नहीं निकलता तो शायद आज भी मेरा भाव बहुत कम हो जाता, और मैं फिलहाल अभी तक एवरेज करते ही रहता या उसमें बाइंग करते ही रहता, तो ये मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता निकलना, क्योंकि यहाँ पर फिर दूसरा कोई कैंडल यहाँ पर ऊपर साइड का दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा कैंडल मिल गया था और वहां पर मोमेंट दिख गया और वहां पे मैं निकल गया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, और यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मेन चीज ये है कि आप कितना भी अच्छा शेयर देख लो या कुछ अच्छा कुछ भी देख लो, लेकिन आप बोल नहीं सकते कि शेयर के साथ क्या हो सकता है। उसके लिए कोई न्यूज भी पढ़ लेते हो या सुन लेते हो तो आपको लगता है यार ये शेयर के बारे में ये न्यूज आया है, मतलब बहुत पॉजिटिव है, ये शेयर यहाँ से बहुत आगे जाएगा, इसमें खरीद लो, जितनी क्वांटिटीज हो सकती उतनी खरीद लो। लोगों ने रिलायंस का नाम सुन के भी खरीद लिया होगा। गलत है ये स्ट्रेटेजी। आप किसी की भी न्यूज पे आके खरीदोगे या किसी नेगेटिव न्यूज पे आके बेच दोगे, ये गलत चीज है। शेयर मार्केट है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर कोई चीज के वजह से, अगर समझ लो कि यार उसके फ्यूचर में वो कुछ अच्छा करने वाली है, बिजनेस उसका अच्छा होने वाला है या उसके कुछ अलग प्लान्स है, तो कंपनी आज नहीं तो कल बहुत बेटर रिटर्न्स देंगी। अगर वो कंपनी के फाइनेंशियल भी खराब है, सब कुछ खराब है, तो वो कंपनी आपको लॉस ही देगी। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो ये इसके प्राइस एंड वॉल्यूम, तो वहां पर आपको यहाँ पर रिटर्न्स नेगेटिव ही नजर आ रहे, 3 साल से नेगेटिव रिटर्न है, तो काफी ज्यादा रिटर्न्स नेगेटिव नहीं है, लगभग 41% नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आपका लॉस ही है। आपको लॉस क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करने के बाद आप लॉस लेने के लिए थोड़ी बैठे हो। तो मेन चीज है कि आपको सही शेयर चुनने हैं, स्ट्रांग शेयर चुनने हैं, उसी से आपका वो कैपिटल थोड़ा बच सकता है। नहीं तो छोटे मोटे शेयर्स आपको वोलाटाइल ज्यादा होते हैं, इस वजह से लॉस भी ज्यादा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक न्यूज पढ़ा है, वो 14 अप्रैल को आया है 2022 में, इसका जो सेल्स है वो डाउन हुआ है, 6-7% से डाउन हुआ ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट साल लास्ट ईयर से अभी की ईयर में, यानी ये मार्च का रिसेंट रिजल्ट है, ठीक है, मार्च 22 का, तो सेल्स डाउन है। तो यही चीज शेयर्स को गिराती है, सेल्स डाउन मतलब प्राइस भी डाउन। रेवेन्यू देख लो, कंपनी रेवेन्यू तो इक्वली जनरेट कर रही है, कब से एक ही रेंज में जनरेट कर रही है, यहाँ पर 1285 दिख रहा है और यहाँ पर 1225 दिख रहा है, तो दोनों चीजें एक ही रेंज में दिख रही है, एक ही रेंज में चल रहा है कब से मार्केट या रेवेन्यू इनका। और यहाँ पर देखो ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, जैसे ये लॉस कर रही थी इस वजह से गिरा था शेयर, फिलहाल अभी तो लॉस नहीं कर रही, अभी तो प्रॉफिट कर रही, तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो लोगों को सवाल तो बहुत आएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन ये शेयर मार्केट है, इतने जल्दी आपको हर एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट के पास भी नहीं होता है, क्योंकि वो उनके भी रिकमेंडेशन आप कभी पढ़ लो या ऐसे ऐसे जगह डीमैट अकाउंट खोलो जहां पर आपको टिप्स मिलेंगी, ठीक है, तो वहां पर आप बड़े बड़े रिसर्च वालों के टिप्स लोगे, या आपके पास तो चैनल घर पे टीवी रहेगा तो टीवी पे आप देखा करो, बहुत सारे टिप्स आते हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशन आते हैं और एक्सपर्ट्स के आते हैं, तो आप उनसे जरा टिप लो और वो आपको बताएगी आपका निवेशकों का कितना नुकसान करते हैं या आपका फायदा करते हैं। तो अगर टिप्स वगैरह आप देख के या उससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो देख लो, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में कोई नहीं बता सकता यार कि इसका आगे क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन शेयर तो डाउन दिखा, मैंने तो आपको डाउन साइड ही दिखाया ये 21 में,
ठीक है, 21 से 22 तक तो, क्योंकि मैं मेरे निकलने के बाद मैं जून में निकला, उसके बाद भी ये शेयर्स डाउन ही आपको नजर आया होगा, 35-36 का जो भाव अभी चल रहा है उस पे आ गए हैं। तो ये कुछ बोल नहीं सकते, ये मार्केट है, और ये मार्केट में कौन से शेयर कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसा उसको क्या होगा, कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, लगभग 74-75% तक की होल्डिंग है शेयर प्रमोटर की, प्रमोटर सबसे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात होती है। और पब्लिक लगभग 23-24% की होल्डिंग रख रहे हैं, पब्लिक का भी सेकंड नंबर पे पब्लिक है, और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी है इसमें, लगभग 1% फॉरेन के इन्वेस्टर है, 29 फॉरेन के इन्वेस्टर है, रिसेंटली अभी 5 बढ़े हैं, यानी देखो शेयर गिरा है करके भी बढ़े और प्रॉफिट कर रही है कंपनी। फिलहाल यहाँ पर मैं इसमें से तो प्रॉफिट में निकल चुका हूँ, और कंपनी फिलहाल प्रॉफिट में भी दिख रही है, तो फिलहाल मुझे यही लगता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आगे जाके शायद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, रिलायंस का नाम भी साथ में है तो आगे जाके और भी चीज़ें अच्छी हो सकती है। मार्केट अभी डाउन भी है, फिलहाल ओवरऑल मार्केट गिरा है, उस वजह से भी गिरता है, तो ये मत टेंशन लो कि भाई शेयर क्यों गिर रहा है, तो बहुत सारे शेयर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी शेयर्स गिरे हुए, तो यहाँ पर एक ही वजह नहीं है कि कंपनी के शेयर्स ही वजह नहीं होते, ग्लोबल मार्केट भी वजह होती है, महंगाई वजह होती है, सभी चीजें वजह होती है जो शेयर मार्केट को गिरा सकती है, और शेयर मार्केट गिरेगा तो शेयर्स भी गिरेंगे, शेयर मार्केट में से ही शेयर्स आते हैं, तो इस वजह से शेयर्स भी सभी गिरेंगे। तो मेन चीज यही याद रखना, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रॉफिट ही इम्पैक्ट नहीं होता है, उसके ही वजह से ही शेयर्स पे प्रॉब्लम नहीं आता है, तो ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से भी आता है। ठीक है, तो सभी चीजों पे ध्यान रखो और पॉजिटिव रहो अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्टेड हो तो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा ही डर है, देखो आपको गहरी नींद नहीं आ सकती ना, तो समझ लो कि आपका इन्वेस्टमेंट रॉन्ग है। अगर आप टेंशन में हो, आपका आपको हमेशा लग रहा है कि यार कल ये शेयर गिर ना जाए, यार ऐसा हो ना जाए, वैसा ना हो जाए, डर बैठा है ना आपके दिमाग में, समझ लो कि आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो चुकी है। आपके मन में डर नहीं है तो आपकी इन्वेस्टमेंट सही है, तो सही शेयर्स में इन्वेस्ट किया करो, आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी और सब कुछ सही सही से होगा, और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगा। तो इसी तरीके के कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूंगा और सही इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, और मेरे खुद के पोर्टफोलियो के ही शेयर्स मैं बताता हूँ, और मैंने जो भी मैंने लाइफ में प्रॉफिट किए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि चैनल नया होने की वजह से मेरे पुराने बहुत सारे जो प्रॉफिट है, तो फिलहाल ये मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, 2021 कोई भी ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट पुरानी थी, इस वजह से आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, चैनल तभी 2000 जून 2021 में चैनल नहीं था, नहीं तो मैं वो टाइम पे तुरंत डाल देता। ठीक है, तो मेन चीज है कि जब से मैंने वीडियोस देखो, मैंने सितंबर से वीडियोस डालने चालू की है, सितंबर 2021 से, तो तब से जो भी शेयर्स मैंने बेचे हैं उसके बारे में मैंने डाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलने के लिए या आपको सीखने के लिए मैं बनाते रहूंगा, सिखाने के लिए, तो आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना है, कमेंट में कुछ पूछना है, या कमेंट से आपको कुछ खुद को बताना है कि आपके पास कितने शेयर से क्या करना है, कुछ सजेशंस लेना है, तो आप वो भी आप ले सकते हो कमेंट्स करके। ठीक है, या आपको लॉस कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो, उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनके पास अगर ये शेयर हो तो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।